तो चलिए निवेदन रहेगा, बल्लेबाजी करने वाली टीम भी पहुंच चुकी है मैदान की तरफ, हमारे अंपायर्स भी आ चुके हैं, लंच ब्रेक दिया गया था दोस्तों, तो उसके बाद अब फिर एक मरतबा थोड़ी सी ताजगी, थोड़ी सी चुस्ती आती हुई सभी खिलाड़ियों में और मुकाबले की शुरुआत होती हुई। नमीश 11 बलान डब्ल्यू ए पैकर्स ये टीम के बीच में टॉस जीता था डब्ल्यू ए पैकर्स ने और पहले माफ कीजिए नमीश टाइगर्स ने ये टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। तो देखते हैं निर्णय के ऊपर किस प्रकार से अमल करेंगे, ये आने वाला वक्त निश्चित तौर से बताएगा। 5 ओवर का ये मुकाबला रहेगा और पिछला मैच जो देखा था हमने दोस्तों काफी अच्छी मैच हुई थी, लेकिन अभी ये मुकाबला किस प्रकार से होगा। देखिए 4 टीम एक एक पूल में बांटी गई है, 8 टीमों को मौका दिया गया है, लीग स्टेज के मैचेस चल रहे हैं दोस्तों। अभी तक अगर देखा जाए तो 3 मुकाबले हो चुके हैं, 2 बच चुके हैं दोस्तों, अभी भी 4 घंटे का वक्त हमारे पास है और हमें 4 मुकाबले खिलाने हैं। तो निवेदन रहेगा थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए, थोड़ी सी गति बढ़ाइए, जिसके चलते आने वाले वक्त में उचित वक्त में सभी मुकाबले उचित ओवरों में किए जाएंगे। पहली ओवर लेके आएंगे गेंदबाज अभिजीत, राइट आर्म राउंड विकेट, पहली गेंद आशीष के लिए। इस बार ऑफ ब्रेक की गई थी इस गेंद को, निश्चित तौर से बल्लेबाज पूरी तरह से चकमा खा बैठे, डॉट गेंद की समाप्ति, विकेट के पीछे आप देख सकते हैं कीपर थोड़ी सी गलती कर बैठे, लेकिन आप देख सकते दीवार से टकरा के गेंद फिर एक मरतबा खिलाड़ी के हाथों में आती हुई, डॉट गेंद की समाप्ति। इसी के साथ फुलर लेन की जरूर गेंद थी, लाउड अपील की गई थी, लेकिन इस प्रतियोगिता का एक नियम है दोस्तों कि आपको LBW की अपील नहीं कर सकते, आप LBW विकेट नहीं है दोस्तों इस प्रतियोगिता में, जिसके चलते 22 के माध्यम से 1 रन जरूर मिलता हुआ टीम का खाता खुलता हुआ 1-7 2 गेंदों की समाप्ति के बाद बिना कोई नुकसान स्कोर कार्ड के ऊपर। हल्की सी फुल टॉस गेंद, कवर के क्षेत्र में जरूर खेल दिया इस गेंद को, ड्राइव के माध्यम से 1 रन जरूर बटोरा, तेजी के साथ दूसरा रन बटोरने की कोशिश और पुश करो खुश रहो इस प्रकार का इस्तेमाल किया गया, 2 रन जरूर मिलते हुए। मैं दर्शकों से विनती करना चाहूंगा कृपया करके थोड़ा सा बाहर जाइए, मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा कृपया आइए हमारे डगआउट में बैठ के इस प्रतियोगिता का आनंद लीजिए। किसी खिलाड़ी की दर्शक की एक गलती मैच के लिए हानिकारक हो सकती है, मैं निवेदन करना चाहूंगा दर्शकों से कृपया करके सहयोग कीजिए, यह प्रतियोगिता अपनी है, इसे सहयोग भी हमें ही करना है। आप देख रहे हैं दोस्तों BYPL यानी कि बांदीवली यादव नगर प्रीमियर लीग सीजन फर्स्ट, और इस सीजन फर्स्ट में जो हमारे प्रमुख आयोजक है यानी कि हमारे राजू शर्मा साहब और साथ ही साथ हमारे संजय साहब, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और साथ ही साथ हमारी जो पूरी टीम है संजय 11 की, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उसमें अगर नाम देखे जाए तो अरुण जी यादव, मुकेश जी यादव, शफीक शेख, गौरव चक्र नारायण, विकी शर्मा, ब्रिजेश यादव, संदीप जी यादव, दिलीप गुप्ता, इन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, काफी अच्छी मेहनत उनके माध्यम से ली गई। और लीडरशिप कहते हैं ना दोस्तों, लीडर काफी महत्वपूर्ण होता है, सर सेनापति कैप्टन महत्वपूर्ण होता है, राजू शर्मा साहब और साथ ही साथ संजय घाघरे साहब, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। पहला ही पर्व दोस्तों कितना सुंदर मंजर यहाँ पे बनता हुआ, इस विभाग के जो खिलाड़ी है दोस्तों, जो नामचीन खिलाड़ी है, साथ ही साथ जो यंगस्टर्स है, जो नए खिलाड़ी है, जो उदयन्मुख खिलाड़ी है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनना काफी जरूरी था दोस्तों। जब जब इस प्रकार के प्लेटफॉर्म बनते हैं दोस्तों, तब तब खिलाड़ियों का खेल अब और निकल के आता है, एक आत्मविश्वास बढ़ता है, और वही काम यहाँ पे हमारे आयोजकों के माध्यम से किया गया है। पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर की यदि बात करें तो बिना कोई नुकसान स्कोर कार्ड के ऊपर आए 6 रन। पहला ओवर देखा हमने दोस्तों, अभिजीत ने फेंका गया, काफी अच्छी गेंदबाजी सटीक लाइन और लेंथ के साथ, शुरुआत काफी महत्वपूर्ण होती है दोस्तों, एक अच्छी शुरुआत आपके जीत का आधा सफर तय करती है, और शायद ये शुरुआत अच्छी खेल सकते हैं गेंदबाजी करने वाले टीम के पक्ष में, क्योंकि कोई भी प्रकार का बड़ा स्ट्रोक नहीं है। आशीष की यदि बात करें तो जाने जाते पहचाने जाते बड़े स्ट्रोक्स के लिए आशीष जैसे बल्लेबाज को रोका गया है दोस्तों इस ओवर में, आशीष को खुल के बल्लेबाजी करने का मौका नहीं दिया गया है, ये अच्छी बात हो सकती है दोस्तों गेंदबाजी करने वाले टीम के लिए। लेकिन दोस्तों ये आशीष इस प्रकार का तूफान है जो कभी भी कहर मचा सकता है, ताकत रखते, क्षमता रखते, पावर रखते दोस्तों, और डेडिकेशन देखिए इस बल्लेबाज का, शांतता और संयम के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर कंसिस्टेंसी रखना ये पहचान उनकी। इस बार काफी अच्छा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में जरूर थी, खिलाड़ी वहां पे मौजूद, यहां पे गलती कर बैठे दोस्तों, कैच छूटा है दोस्तों, किसका तो आशीष का दोस्तों, ये बल्लेबाज घातक साबित हो सकते हैं। इसी के साथ और निश्चित तौर से अगर देखा जाए तो ब्रायन लारा, वेस्टइंडीज के जो आक्रामक बाएं हाथ के बल्लेबाज है, उनके पेट नेम से जाना जाता है इस बल्लेबाज को, तो देखते हैं आने वाले वक्त में ये बल्लेबाज किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। एक मौका जरूर मिला है उनको, एक जीवनदान मिला है, तो इस जीवनदान का किस प्रकार से इस्तेमाल होगा। शॉट ऑफ पुल करने का प्रयास, 2 रन जरूर मिलते हुए, इसी 2 रन के साथ स्कोर कार्ड में थोड़ी सी गति मिलती हुई, दो
दो रन जरूर मिलते हुए दोस्तों। और इसी दो रन के साथ टोटल स्कोर की यदि बात करें तो 9 रन स्कोर कार्ड पे। ओम प्रकाश गेंदबाजी के लिए आप देख सकते हैं, गेंदबाजी की कमान यहाँ पे संभालते हुए। स्ट्राइक पे आप देख सकते हैं बल्लेबाज आशीष और पंकज की ये जोड़ी। फिर एक मरतबा वही क्षेत्र में टारगेट किया गया, खिलाड़ी जब तक गेंद पे पहुंचेंगे तब तक गेंद जा पहुंचे डिक्लेयर जोन के क्षेत्र में। और एक सिंगल मिलता हुआ, सिंगल सिंगल के साथ यहाँ पे रनों को बटोरा जा रहा है दोस्तों। सिंगल सिंगल के साथ यहाँ पे रनों को यहाँ पे आगे लेके जाने का प्रयास यहाँ पे बल्लेबाज करते हुए। कहते हैं ना दोस्तों, बूंद बूंद से सागर बनता है, वही काम यहाँ पे होता हुआ। हर गेंद के ऊपर रनों का आना महत्वपूर्ण दृश्य है, कभी सिंगल के साथ, कभी डबल के साथ, कभी एक्स्ट्रा के फल स्वरूप में यहाँ पे रन आना जरूरी है। कैसे भी हो रन आना जरूरी है, ये क्रिकेट की परिभाषा है और यही परिभाषा को सत्य में लाने का काम दोनों भी बल्लेबाज करते हुए। डाउन द विकेट जाके ड्राइव करने का प्रयास कवर के क्षेत्र में, कवर ड्राइव कह सकते हैं दोस्तों। यदि बात करें स्ट्रोक्स की तो काफी अच्छा स्ट्रोक था, लेकिन महज मिली ये सिंगल। और सिंगल डबल्स के साथ यहाँ पे रनों की गति को बढ़ाया जा रहा है दोस्तों। निश्चित तौर से बल्लेबाजी करने वाली यानी टीम यानी कि नमिश टाइगर्स की यदि बात करूँ तो काफी अच्छी स्ट्रेंथ है दोस्तों इनके पास बल्लेबाजी की, और निश्चित स्वरूप से 40 से 45 तक का सफर तय करना चाहेगी ये टीम। कवर के क्षेत्र में ड्राइव किया गया, 2 रन जरूर मिलते हुए। अभी तक की यदि बात करें आशीष की इस पूरे प्रतियोगिता में तो सबसे ज्यादा 2 रन्स पे विश्वास दर्शाने वाले ये दूसरे बल्लेबाज है। मुज्जू की यदि बात करें तो मुज्जू ने भी काफी अच्छी बल्लेबाजी की आज पूरे दिन भर में, जिनका काफी नाम चला है दोस्तों, जिनका पत्ता चला है उसका नाम है मुज्जू। और निश्चित स्वरूप में मुज्जू ने काफी अच्छी बल्लेबाजी जरूर की है, लेकिन आशीष के तरफ भी रुख जरूर करेंगे आने वाले वक्त में। मिस टाइमिंग स्ट्रोक दोस्तों, गेंद हवा में जरूर है, खिलाड़ी वहां पे मौजूद, और एक कैच छूटता हुआ यहाँ पे, और एक कैच छूटता हुआ यहाँ पे किसका, तो आशीष का। तो 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन गति जा पहुंचे 14 के पायदान पे बिना कोई नुकसान। 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 7.00 की औसत के साथ यहाँ पे रनों को बटोरा जा रहा है दोस्तों। यदि इसी औसत के साथ रन आते रहेंगे तो निश्चित तौर से 35 से 40 के पायदान पे ये टीम पहुंच सकती है। क्या होगी रणनीति आने वाला वक्त निश्चित तौर से बताएगा। आप देख रहे हैं दोस्तों ये बीच मैदान के ऊपर जो मुकाबला चल रहा है डब्ल्यू ए पैकर्स बनाम नमिश टाइगर्स, इन दो टीम के बीच में टॉस जीता था नमिश टाइगर टीम ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय शांत और संयम के साथ, टेम्परामेंट देखिए दोनों भी बल्लेबाजों का, एक सुरक्षात्मक रवैया अपनाते हुए शुरुआत तो हो चुकी है दोस्तों। इस सत्र का आगाज कर दिया है दोस्तों इन दोनों भी बल्लेबाजों ने, 14 रन बटोर है दोस्तों दोनों भी बल्लेबाजों ने इन 2 ओवर में। लेकिन अभी भी यहां से 3 ओवर का खेल आना शेष है, 18 गेंदों का खेल आना शेष है, और इन 18 रनों में किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे बल्लेबाज। इस बार गेंद हवा में जरूर है, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, ताकत की कमी, एलिवेशन थोड़ा सा कम पड़ता हुआ, और बल्लेबाज आशीष के पारी का अंत होता हुआ। गेंदबाज अभिजीत की करनी होगी तारीफ, क्योंकि जब ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया था दोस्तों, लंच ब्रेक लिया गया था, तभी आशीष हमारे कमेंट्री बॉक्स में थे, एनर्जी ड्रिंक्स उन्होंने प्राशन किया, और उसके बाद अगर देखा जाए तो काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपने टीम के लिए। पहला ओवर भी उन्होंने काफी अच्छा दागा था, 6 रन महज खर्च किए थे। और इस ओवर की यदि बात करें तो क्या बेहतरीन शुरुआत करते हुए इस ओवर की, पहली गेंद पे जरूर रन बटोरने का प्रयास किया गया था, लेकिन पहली गेंद के ऊपर आशीष जैसे बल्लेबाज को यदि आप डगआउट की तरफ रवाना करते हो तो आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस, आपका लेवल, आपका सर आप दर्शाते हो अपनी टीम के लिए। फिर एक मरतबा गेंद हवा में जरूर है, खिलाड़ी वहां पे मौजूद, और क्या बेहतरीन कैच, कैच ऑफ द टूर्नामेंट, सीजन पहले का ये बेहतरीन कैच, जहां पे छलांग लगा के इस कैच को लपका गया। जिस प्रकार से एक कोई शिकार पे शेर झपट्टा मारता है दोस्तों, उसी प्रकार से इस शिकार के ऊपर झपट्टा मारा गया इस खिलाड़ी के माध्यम से, जिस खिलाड़ी ने कैच पकड़ा, सोमा की करनी होगी तारीफ, काबिले तारीफ यहाँ पे कैच लपका गया, और कैच ऑफ द टूर्नामेंट के हकदार बन सकते हैं दोस्तों ये खिलाड़ी। कोमल यादव जी के तरफ से यहाँ पे 101 रुपए का नगद राशि का इनाम यहाँ पे सोमा जी के लिए आता हुआ, मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा कोमल जी का। यहाँ पे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने का काम यहाँ पे हमारे मान्यवर अतिथि करते हुए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा ऐसे अतिथियों का। इन अतिथियों के माध्यम से जो नगद राशि के इनाम आते हैं दोस्तों, जो पारितोषिक आते हैं, उससे खिलाड़ियों का मनोबल एक अलग स्तर पे जाता है, और खेलने का एक जज्बा, जुनून, ताकत आती है, और वही काम हमारे कोमल साहब करते हुए। 2 गेंदों में 2 विकेट चटकाए,
काबिले तारीफ अभिजीत की गेंदबाजी करनी होगी दोस्तों। अपनी टीम के लिए पूरी तरह से कमबैक करके दिखा है। और इसी के साथ यदि बात करें तो तीसरा ओवर की चार गेंदें समाप्त होते हुए स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 16 के पायदान पे, 16 का डोला कह सकते हैं दोस्तों चार गेंदों की समाप्ति के बाद। यहाँ पे ऑफ ब्रेक, क्या बात, बेहतरीन गेंदबाजी, धीमी गति से फेंकी हुई गेंद, रवि को पूरी तरह से चकमा देती हुई ये गेंद। रवि की यदि बात करें तो काफी अच्छे मजे हुए बल्लेबाज है दोस्तों, उतने ही अच्छे गेंदबाज देखिए है। पहले मैच में, दूसरे मैच में हमने देखा दोस्तों क्या बेहतरीन गेंदबाजी की थी इस गेंदबाज ने। और यदि इस मैच की यदि बात करें तो बल्लेबाजी करते हुए थोड़ी सी उनकी चुनौतियां बढ़ती हुई, क्योंकि गेंदबाज अभिजीत की करनी होगी तारीफ। तीन ओवर का खेल होता समाप्त और तीन ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर जहां पहुंचा है 16 के पायदान पे, गोल्डन ओवर की समाप्ति यहाँ पे गेंदबाज अभिजीत के माध्यम से। डब्ल्यू ए पैकर के कप्तान है दोस्तों, और कह सकते हैं दोस्तों कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, सर सेनापति है। और सेनापति जब भूमिका निभाते हैं वो तो किस प्रकार से, तो इस प्रकार से। तीन ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, तीन ओवर के समाप्ति के बाद 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर निश्चित तौर से आए। दो बल्लेबाज को रवाना किया है तंबू के तरफ इस ओवर में, और गोल्डन ओवर की समाप्ति, एक यशस्वी पूर्व सक्सेसफुल ओवर कह सकते हैं अभिजीत ने जो दागा इस ओवर में। नए गेंदबाज फैसल आते हुए, स्ट्राइक पे आप देख सकते हैं बल्लेबाज दिलीप गुप्ता और उनका साथ निभा रहे नॉन स्ट्राइकर एंड पे रवि यादव। राइट ऑफ ओवर द विकेट, इस बार शॉर्ट ऑफ फुल करने का प्रयास, ऑन साइड के क्षेत्र में जरूर टारगेट किया गया, स्क्वायर लेग रीजन में गेंद जाती हुई, अंपायर का इशारा था वह एक रन, एक रन जरूर मिला है दोस्तों। फैसल आप देख सकते हैं गेंदबाज, थोड़ी सी धीमी गति से गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज माने जाते हैं फैसल। 8 से 10 कदमों की यहाँ पे उनकी रनिंग, ऑन साइड के क्षेत्र में जरूर खेला गया। यहाँ पे फील्डिंग में कमबैक करते हुए डब्ल्यू पैकर्स की टीम, दो कैच हालांकि जरूर उन्हें छोड़े, लेकिन सोमा की तारीफ करनी होगी दोस्तों, क्या कैच लपका था उन्होंने। और साथ ही साथ जो आशीष का कैच लपका गया था वो भी कैच उतना ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों। इस बार बड़ा स्ट्रो, गेंद हवा में अभिजीत गेंद के नीचे, लेकिन तो निश्चित तौर से मैं निवेदन करना चाहूंगा, क्रिकेट इंपॉर्टेंट है, और परंतु दोस्तों मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी शरीर संपदा यानी कि अपनी बॉडी को संभालिए, अपने अवयव को संभालिए, बॉडी में किसी प्रकार से कोई इंजरी ना हो इसकी तरफ लक्ष्य दीजिए। फर्स्ट एड बॉक्स देना है, रिलीज स्प्रे और एक पेन किलर जल्द से जल्द देना है खिलाड़ियों को, इंजरी काफी बड़ी ना हो यही प्रार्थना करेंगे। और फिर एक मरतबा इस मैच को शुरुआत करेंगे। खिलाड़ी को थोड़ी सी विश्रांति दी गई है और उनके जगह नौमान को लिया गया है टीम में, तो फिर एक मरतबा ले चलते मैदान की तरफ। फैजल गेंदबाजी करते हुए, तीन गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ इस ओवर का, और टोटल स्कोर की यदि बात करें तो 24 के पायदान पर जाती हुई बल्लेबाज रवि की करनी होगी तारीफ। सिक्सर, यस थैंक यू। चौबीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर, इस बार खराब गेंद, अंपायर का इशारा जरूर आता हुआ वाइड का, दंडित किया गया है गेंदबाज को यहां पे वाइड के माध्यम से। इस बार पटकी हुई गेंद, शॉर्ट ऑफ पुल, काफी बेहतरीन पुल था, बैकफुट के ऊपर गए, जगह बनाए पिछले पैर पे, पूरी तरह से वेट ट्रांसफर किया गया, उसके बाद अगर देखा जाए तो काफी बेहतरीन तरीके से इस शॉट को मैन्युफैक्चर करके एग्जीक्यूट किया गया। काफी अच्छा स्ट्रोक्स यहाँ पे रवि के माध्यम से, काफी अच्छी बल्लेबाजी, शोक सूझबूझ वाली बल्लेबाजी कह सकते हैं दोस्तों। एक छक्का, एक डबल, उसके बाद अगर देखा जाए तो अपनी टीम को पूरी तरह से संवारने का काम यहाँ पे करते हुए रवि। रवि पिछले मैच में अगर देखा जाए तो काफी अच्छा प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनके पक्ष में हार जरूर आई थी, लेकिन इस मैच में कुछ कर दिखाने का जज्बा जुनून के साथ वो आए हैं, और वही जज्बा जुनून के साथ रनों की गति को बढ़ाने का काम कर रहे हैं दोस्तों। इसके साथ धीमे गति से फेंका हुआ यह बाउंसर, बल्लेबाज पूरी तरह से
चकित होते हुए डॉट गेंद जाती हुई और इसी के साथ चार ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। चार ओवर के समाप्ति के बाद 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए दो बल्लेबाजों के नुकसान में। बीच मैदान की यदि बात करें तो काफी अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पे बिल्ड होती हुई बल्लेबाज दिलीप गुप्ता और साथ ही साथ रवि यादव, इन दोनों भी बल्लेबाजों ने एक स्कोर हुआ है 28। दोनों भी बल्लेबाजों ने काफी अच्छी पेशकश पारी कह सकते हैं आप दोस्तों करने का प्रयास किया गया। प्रयास सक्सेसफुल होता हुआ पार्टनरशिप काफी इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों और यही पार्टनरशिप होती भी। चार ओवर के समाप्ति के बाद 28 रन, आखिरी ओवर आना अभी भी शेष है दोस्तों, डेथ ओवर आना अभी भी शेष है। स्लॉग ओवर में किस गेंदबाज का चयन किया जाएगा ये काफी महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है दोस्तों। इस गेंदबाज के ऊपर पूरी तरह से दारोमदार होगी दोस्तों, इस गेंदबाज के ऊपर पूरी तरह से लक्ष्य होगा। गेंदबाज के ऊपर सर सेनापति ने जो विश्वास दर्शाया है, इस विश्वास के ऊपर किस प्रकार से खरे उतरेंगे ये आने वाला वक्त निश्चित तौर से बताएगा। अगर सत्य परिस्थिति देखे मैदान के ऊपर की तो 28 रन जरूर आए, 7.00 के औसत से स्कोर जरूर आया है, लेकिन इस औसत को यदि बढ़ाना होगा तो इस ओवर में बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे। और रवि ये ताकत, ये मनशा, ये जज्बा अपने बाजुओं में रखते हैं, लेकिन इसको पूरी तरह से सही साबित कर दिखाएंगे क्या ये आने वाले ओवर में। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद इस बार खेल दिया ऑन साइड के क्षेत्र में, रवि के बल्ले से निकलता हुआ और एक बेहतरीन खूबसूरत स्ट्रोक दो रनों के लिए, धन्यवाद अंपायर। 30 रन, 35 से 40 तक भी यदि ये नमिश टाइगर की टीम पहुंचती है तो इस रन को डिफेंस करने के लिए उनके पास वो स्ट्रेंथ है दोस्तों, वो ताकत है उनके पास, लेकिन क्या होगा, क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है दोस्तों, कोई भी रन की गति सुरक्षित नहीं मानी जाती क्रिकेट में। बैक टू द बॉलर्स ड्राइव किया गया निश्चित तौर से, एक रन जरूर बटोरा, दूसरी की कोशिश हाथू नाना में मिस कम्युनिकेशन होता हुआ, लेकिन अंतिम क्षणों में अपनी पॉपिंग क्रीज में सुरक्षात्मक रवैये के साथ सेफ होते हुए रवि। 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, दो गेंदों की समाप्ति के बाद अभी भी चार गेंदों का खेल आना बाकी है। गेंदबाज की यदि बात करें तो पांडे जी यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए अभी तक अगर देखा जाए तो दो गेंदों में उन्होंने 3 रन खर्च किए हैं। काफी सारी आत्मविश्वास और विश्वास के साथ इस गेंदबाज को चयन किया गया है डेथ ओवर के लिए। फुल टॉस गेंद डाउन द विकेट जाके खेल दिया इस गेंद को, लेकिन क्या बेहतरीन फील्डिंग, क्या बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पे होती हुई, क्या बैलेंस था दोस्तों, काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पे फील्डर फैजल के माध्यम से होती हुई और कैच को लपका गया बाउंड्री लाइन की पूरी तरह से निकट, इस कैच को लपका गया, बैलेंस काफी अच्छा किया गया, जजमेंट काफी अच्छा था, पूरी तरह से खुद को संवारा, अपनी टीम को संवारा और अपनी टीम के लिए 6 महत्वपूर्ण रन बचाए गए दोस्तों। यदि मुकाबला आखिरी गेंद तक चला तो ये सिक्सर काफी महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है दोस्तों। न्यू बैट्समैन पंकज आते हुए, 3 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ। फैजल ने काफी अच्छी गेंदबाजी की है दोस्तों इस ओवर में, एक विकेट जरूर चटकाया, आगे आके खेलने का प्रयास, धीमे गति से फेंकी गई थी ये गेंद और इसी के साथ छोर बदलते हुए यहाँ पे गलत निर्णय और बल्लेबाज रवि के पारिकांत होता हुआ। नए बल्लेबाज नितिन यहाँ पे मैदान के ऊपर जाते हुए आप देख सकते हैं, रवि के पारिकांत होता हुआ, क्रिकेट की आत्महत्या, रनआउट के माध्यम से आउट होते हुए। तो चलिए आप देख सकते हैं दोस्तों, आप इस ओवर की यदि बात करें तो अभी तक गेंदें फेंकी गई हैं, 4-2 गेंदों का खेल आना अभी भी शेष। रवि की पारी का यहाँ पे अंत होता हुआ, क्या बेहतरीन पारी खेली गई रवि के माध्यम से, एक मैराथन इनिंग कह सकते हैं दोस्तों, अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान उनके बल्ले से हमने देखा, लेकिन आने वाले सत्र में उनकी गेंदबाजी देखने के लिए काफी सारे दर्शक उत्सुक है। बाएं हाथ के गेंदबाज जरूर है और काफी तेज गति से गेंदबाजी करते, वेरिएशन उनका काफी अच्छा है और ये आने वाला चित्र दूसरे सत्र में हम निश्चित तौर से देखेंगे। जड़ में फेंकी हुई गेंद, बॉटम हैंड का काफी अच्छा इस्तेमाल, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में जरूर खेला गया था, एक रन जरूर मिलता हुआ। सिंगल के साथ यहाँ पे रन गति थोड़ी सी धीमे गति के साथ आगे बढ़ती हुई, 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, आखिरी गेंद इस सत्र की, आखिरी गेंद इस ओवर की और इस आखिरी गेंद के ऊपर किस प्रकार का स्ट्रोक आएगा, चौका, छक्का, सिंगल, डबल या फिर डॉट गेंद,
क्या होगा इस आखिरी गेंद के ऊपर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फैसल की ये गेंद, हल्की सी ओवर पिच गेंद, खेल दिया इस गेंद को हवा में, खिलाड़ी वहां पे मौजूद। क्या बेहतरीन बैकअप था दोस्तों, काबिले तारीफ करनी होगी दोस्तों इन खिलाड़ियों की। पहले दो कैचों को छोड़ा गया था इस सत्र में, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो बैकअप देखिए, कमबैक देखिए कितना बेहतरीन होता हुआ। और इसी के साथ पहले सत्र का हुआ खेल समाप्त। तो पहले सत्र के समाप्ति के बाद टोटल स्कोर की यदि बात करें तो टोटल स्कोर जा पहुंचे 32 के पायदान पे, यानी कि आने वाला लक्ष्य होगा 30 गेंदों में जीत के लिए 33 रनों की आवश्यकता। तो चलिए निवेदन करना चाहूँगा मैं, और जल्द से जल्द यहाँ पे फील्डिंग की सजावट करके लीजिए, और साथ ही साथ डब्ल्यू ए पैकर्स। तो चलिए निवेदन रहेगा बल्लेबाजी करने वाली टीम को कि जल्द से जल्द आपकी ओपनिंग पेयर मैदान के ऊपर भेजनी है। डब्ल्यू ए पैकर्स बनाम निमिष टाइगर से मुकाबला, आज के दिन का ये चौथा मुकाबला मैदान पे खिलाया जा रहा है दोस्तों। दोनों भी टीम ने एक एक मैच यहाँ पे हार का सामना किया है, अपनी पहली जीत के लिए दोनों भी टीम लड़ रही है दोस्तों। तो कौन सी टीम यहाँ पे जीत का खाता खोलेगी इस मैच में, ये निश्चित तौर से देखना दर्शनीय होगा। लेकिन थोड़ी सी चर्चा करेंगे पिछले सत्र की दोस्तों। पिछले सत्र में यदि बात करें तो 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आए, 33 रनों का लक्ष्य है। आने वाली 30 गेंदों में 33 रनों का लक्ष्य किस प्रकार से चेस किया जाएगा, ये दर्शनीय निश्चित तौर से होगा। लेकिन रवि यादव की गेंदबाजी देखने के लिए काफी मात्रा में दर्शक वर्ग यहाँ पे उपस्थित होते हुए, तो चलिए तो शुरुआत करते हैं इस मुकाबले के दूसरे सत्र को। आने वाली 30 गेंदों में 33 रनों का लक्ष्य किस प्रकार से चेस किया जाएगा, या फिर इन गति को, इन रनों की गति को अंकुश लगाने का काम किया जाएगा, इस टारगेट को डिफेंस किया जाएगा, ये आने वाला वक्त निश्चित तौर से बताएगा। तो गेंदबाजी के मार्ग पर आप देख सकते हैं गेंदबाज कैलाश आते हुए, और बैटिंग के लिए आप देख सकते हो ओपनिंग पेयर स्ट्राइकर हैंड के ऊपर फैजल, और नॉन स्ट्राइकर हैंड पे संजय। तो अंपायर का इशारा यहाँ पे आता हुआ, गेम ऑन, ग्रीन सिग्नल आता हुआ। राइट अप ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए, यस धन्यवाद अंपायर। राइट अप ओवर द विकेट, गेंदबाज कैलाश यहाँ पे सज्ज होते हुए।
पहली गेंद रैंडम ओवर द विकेट, पहली लोअर फुल टॉस गेंद, इस बार गेंद हवा में है, तीन खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए और पहली गेंद के ऊपर कैच छुटा है दोस्तों। यहाँ पे पहली गेंद के ऊपर दोस्तों कैच छुटा है फैजल जैसे बल्लेबाज को, यदि आप जीवन दान दोगे पहली गेंद के ऊपर तो ये काफी महंगा साबित हो सकता है। फैजल एक अच्छे बल्लेबाज है दोस्तों, काफी अच्छी बल्लेबाजी करने का उनका अनुभव है दोस्तों, कई सारे मौसम उन्होंने अपने बल्लेबाजी के माध्यम से देखे है दोस्तों, और इस बल्लेबाज को यदि आप मौका दोगे तो ये खिलाड़ी काफी महंगा साबित हो सकता है। पहली गेंद के ऊपर एक रन जरूर बटोरा गया व्यक्तिगत रूप में और साथ ही साथ टीम के खाते में यहाँ पे शुरुआत होती हुई एक के माध्यम से। नए बल्लेबाज इस बार संजय आप स्ट्राइक हैंड के ऊपर देख सकते हो, बाएं हाथ के काफी अच्छे बल्लेबाज है दोस्तों। कैलाश की ये दूसरी गेंद राइट ओवर द विकेट, पुल करने का प्रयास जरूर किया गया, खिलाड़ी वहां पे मौजूद, लेकिन अंतिम क्षणों में गेंद जा टकराई सीधा वॉल पे और अंदर आती हुई, लेकिन दोनों भी बल्लेबाजों में तेजी के साथ छोर को बदला और एक रन जुटाने में संतुष्टि दिखाई, विश्वास दर्शाया, दो रन जरूर मिलते हुए दोनों भी बल्लेबाज आप देख सकते हैं पूरी तरह से सेट होते हुए यहाँ पे विकेट के ऊपर। बात करें तो दोस्तों सिंगल डबल के साथ बड़े स्ट्रोक खेलना भी अनिवार्य होगा, क्योंकि 30 गेंदों में जब आप 33 रनों का लक्ष्य चेस करते हो तभी एक बड़ा स्ट्रोक पूरी तरह से आपके टीम के लिए आत्मविश्वास वाला साबित हो सकता है, लेकिन वो स्ट्रोक कब आएगा। हर डॉट गेंद यहाँ पे बल्लेबाजों को मुश्किलें निर्माण कर सकती है, लेकिन हर बड़ा स्ट्रोक यहाँ पे गेंदबाज के ऊपर प्रेशर बना सकती है, और वही काम किया जा रहा है लेकिन सफल नहीं होते हुए। लेकिन फील्डिंग की यदि बात करें तो एक कैच जरूर छूटा है दोस्तों, एक कैच छूटने के बाद यहाँ पे कमबैक करने का प्रयास किया जा रहा है, तीन गेंदों की समाप्ति के बाद तीन रन बिना कोई नुकसान, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, क्या बात है, बेहतरीन स्ट्रोक अक्रॉस द लाइन सफल होके खेलने का प्रयास, हम पर का इशारा आता हुआ दो रनों का, क्या खूबसूरत यहाँ पे लय था दोस्तों बल्लेबाजों का, स्टांस देखा तो फुटवर्क का इस्तेमाल, उसके बाद अगर देखा जाए बैट का फ्लो, संपर्क कितना उचित था दोस्तों, यदि फुल ग्राउंड होता तो संकेत जी के लिए एक इनाम आता हुआ, पंकज जी के लिए एक इनाम आता हुआ यहाँ पे विजय नाम्बियार जी के माध्यम से, जो कैच उन्होंने छोड़ा था उसके लिए एक इनाम आता हुआ, तो निश्चित तौर से जैसे ये मुकाबला खत्म होगा वैसा ये इनाम आपको कलेक्ट करना है, 100 रुपए का इनाम आता हुआ। संजय गावकर जी के लिए एक इनाम आता हुआ संजय जी के माध्यम से, यदि संजय जी ने छक्का दागा तो संजय जी घाघरे साहब इनके माध्यम से 200 रुपए का इनाम, थैंक यू अंपायर। तो निश्चित तौर से पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, और पहले ओवर के समाप्ति के बाद टोटल स्कोर की यदि बात करें तो 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए बिना कोई नुकसान 8 रन, 33 रनों का लक्ष्य, यानी कि आने वाली 24 गेंदे 25 रनों की आवश्यकता, 24 गेंदे 25 रनों की आवश्यकता, स्कोर और गेंदों के बीच में का फासला अगर देखा जाए तो महज एक का है दोस्तों, और रवि यादव की ये दो ओवर मैच की टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है दोस्तों। रवि के ऊपर काफी सारा प्रेशर है, रवि के कंधों के ऊपर काफी सारा भार है, और भार को स्वीकारना, प्रेशर में से टीम को रिलीज करना, ये पहचान है रवि के, तो आज उसी पहचान को दिखाएंगे, फिर एक मरतबा वही तेज तर्रार गेंदबाजी होगी, बल्लेबाजों को रोकने में वो यशस्वी होंगे ये आने वाला वक्त जरूर बताएगा। लेफ्ट ओवर द विकेट, पहली गेंद कॉमेंट्री बॉक्स एंड के माध्यम से यहाँ पे रवि की टू संजय, पटकी हुई गेंद शॉर्ट ऑफ पुल किया गया, खिलाड़ी वहां पे मौजूद, एक रन जरूर लिया गया, बटोरा गया काफी तेजी के साथ, तो फैजल और संजय दोनों भी बल्लेबाज काफी अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करते हुए अपनी टीम के लिए 33 रनों का लक्ष्य छूने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं दोस्तों, जो मशक्कत की जा रही है उनके माध्यम से, ये शायद सही साबित होती हुई, क्योंकि अभी तक यदि बात करें तो संयम के साथ सुरक्षात्मक रवैये के साथ इन दोनों भी बल्लेबाजों ने रनों का कंसिस्टेंसी, रनों की सातत्यपूर्व गति रखी है, और जिसके चलते 9 रन दूसरे ओवर की शुरुआत में। इस बार बाहर जाने वाली गेंद, क्या बेहतरीन गेंद यहां पे होती हुई, कट करने का प्रयास, और क्यों टेनिस क्रिकेट में लेफ्ट आर्म गेंदबाजों का काफी महत्वपूर्ण स्थान होता है ये दिखाते हुए हमारे रवि,
तारीफ करनी होगी इस छोटे से परिसर में इतना बेहतरीन लाजवाब गेंदबाज होना, ये काफी बड़ी बात है दोस्तों। और आने वाले भविष्य में ये गेंदबाज काफी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे और निकले, इसके लिए इस मंच का आयोजन किया गया है। इस विभाग में जो खिलाड़ी है दोस्तों, जो नवयुवक खिलाड़ी है, जो अनुभवी खिलाड़ी है, जो सितारे हैं, जो अच्छा प्रयास कर रहे हैं खेलने के लिए, उनके लिए काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जहां से उनका खेल और निखरा जाएगा। हल्की सी ओवर पिच गेंद, देखिये जब जब आप बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी करेंगे तब तक ये बल्लेबाज हावी साबित हो गए। जब जब बल्लेबाजों से दूर रखा गया गेंदों को तब तब गेंदबाज हावी साबित हुए बल्लेबाजों पे। तो देखेंगे आने वाले वक्त में किस प्रकार से रणनीति अपनाई जाएगी, गेंदबाज रवि किस प्रकार से कमबैक करके दिखाएंगे। अभी तक तीन गेंदे उन्होंने फेंकी है दोस्तों, तीन रन जरूर खर्च किए है। फिर एक मरतबा ऑन साइड के क्षेत्र में टारगेट किया गया, जिस फैसल की कैच छोड़ी गई थी दोस्तों वेरी फर्स्ट बॉल पे इस सत्र के, वही फैसल अभी एक अलग रंग में आते हुए हर गेंद के ऊपर दोस्तों उनके माध्यम से रन आ रहे हैं दोस्तों। अपने टीम के लिए एक संयम के साथ, एक टेम्परामेंट के साथ लाजवाब यहाँ पे खेल उनके माध्यम से होता हुआ हर गेंद के ऊपर रन लाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक 10 गेंदें फेंकी गई दोस्तों और 10 गेंदों में महज एक डॉट गेंद आई है। ये काफी अच्छा लक्ष्य हो सकता है अपनी टीम के लिए, यानी कि डब्ल्यू ए पैकर्स टीम के लिए। लेफ्ट आर्म बल्लेबाज वर्सेस लेफ्ट आर्म गेंदबाज, यहाँ पे तेज तर्रार गेंदबाजी, सटीक यॉर्कर कह सकते दोस्तों, वाइड यॉर्कर। देखिए कीपर के बदन पे गेंद इतने जोर से जा टकरा है कि कीपर भी थोड़े से विचार विनिमय करते हुए खुद से, ये गेंद इतने तेजी के साथ आती आ सकती है क्या? हाँ निश्चित तौर से आ सकती है दोस्तों। रवि की तारीफ करनी होगी दोस्तों, जहीर खान जी की याद दिलाने वाली उनकी स्टाइल, उनका रनअप, फॉलो थ्रू देखिए कितना अच्छा है, रिलीज पॉइंट देखिए कितना बेहतरीन है, और जिसके चलते बल्लेबाजों को पूरी तरह से मुश्किलें निर्माण होती हुई। इसी के साथ एक रन जरूर मिला, दो ओवर का खेल समाप्त तो होता हुआ। दो ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर की यदि बात करें तो 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जरूर आए बिना कोई नुकसान। अभी भी आने वाली 18 गेंदे और जीत के लिए 20 रनों की आवश्यकता। तो नए गेंदबाज यहां पे पंकज आते हुए, निश्चित तौर से फुल टॉस गेंद थी, यहां पे एक रन जरूर बटोरा गया। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी दर्शकों से, कृपया करके यहां पे बाउंड्री लाइन के बाहर आइए। मैं दर्शकों से विनती करना चाहूंगा कि कृपया करके मैदान खाली कीजिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा तहे दिल से, कृपया करके मैदान खाली कीजिए, यहां पे आइए, डगआउट में आइए, विश्राम कीजिए, झाड़ की ठंडी छाव में इस मैच का आनंद लीजिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा मैदान खाली कीजिए। पंकज की अगली गेंद राइट ओवर द विकेट, यहाँ पे काफी तेज तर्रार गेंदबाजी होती हुई पंकज के माध्यम से, हल्की सी ओवर पिच गेंद थी, फैसल इस गेंद को ठीक तरह से समझ ना पाए दोस्तों, पैड लाइन पे जरूर गेंद टकराई थी और डॉट गेंद की समाप्ति। हर एक डॉट गेंद बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए, यानी कि फैसल और साथ ही साथ संजय के लिए विचार विनिमय करने को मजबूर कर रही है दोस्तों। हर डॉट गेंद के ऊपर नमिश टाइगर्स टीम एक अलग आत्मविश्वास के साथ रुक करेगी एक कदम आगे। गेंद हवा में जरूर है, एक रन जरूर मिलता हुआ डिक्लेयर के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसी के साथ एक रन जरूर बटोरा गया और एक रन के साथ 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जरूर आए फैसल, और साथ ही साथ संजय काफी अच्छी पार्टनरशिप यहां पे रचते हुए अपने टीम के लिए। और अंपायर का इशारा, यहां पे नो गेंद आता हुआ, गेंद हवा में जरूर है। अंपायर का इशारा, यहां पे नो गेंद आता हुआ, थ्रो गेंदबाजी।
तो इस गेंदबाज को यहाँ पे बैन किया जाएगा इस मैच के लिए, पूरा टूर्नामेंट ये गेंदबाज गेंदबाजी नहीं कर सकता, ये नियम है। तो यहाँ पे नए गेंदबाज को लाया गया, दिलीप यहाँ पे कमान संभालेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट, दिलीप की पहली गेंद इस बार काफी अच्छी। ऑफ ब्रेक गेंद फेंकी गई थी, डॉट गेंद जरूर जाती हुई, और इस डॉट गेंद के साथ यदि बात करें तो स्कोर कार्ड रुकता हुआ 17 के पायदान पे। अभी तक यदि बात करें तो टोटल इस ओवर की गेंदें हो चुकी है। तो यहाँ पे बल्लेबाज संजय के पारी का अंत होता हुआ, और अगर बात करें तो काफी अच्छी बल्लेबाजी जरूर की थी संजय ने, लेकिन जीत की तरफ लेके नहीं गए। लेकिन शुरुआत शुरुआत काफी महत्वपूर्ण होती है दोस्तों, एक अच्छी शुरुआत आपका जीत का आधा सफर तय करती है, आधा सफर तो तय जरूर किया है दोस्तों। अभी तक अगर देखा जाए तो 5 गेंदे हो चुके इस ओवर की, 5 गेंदों में अगर देखा जाए तो पहले 4 गेंदों में जो पंकज ने फेंकी गई थी उसमें उन्होंने 4 रन खर्च किए, और बाकी की उर्वरी 2 गेंदे की यदि बात करें तो अभी तक कोई रन आया नहीं है। यानी कि दिलीप की अच्छी गेंदबाजी इस बार पुल किया गया दोस्तों ऑन साइड के क्षेत्र में, 2 रन जरूर मिलते हुए, और इस 1 रन माफ कीजिए 1 रन जरूर मिलता हुआ, 1 रन के साथ स्कोर कार्ड इजाफा होता हुआ। 3 ओवर का खेल, 4 ओवर का, 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, 3 ओवर के समाप्ति के बाद 18 रन। देखिए 18 रन होते हुए 3 ओवर के समाप्ति के बाद, यानी कि आने वाली 12 गेंदे जीत के लिए 15 रनों की आवश्यकता। होगी दोस्तों, स्कोर हुआ है 18, तो देखते हैं दोस्तों क्या होगा। इस ओवर काफी महत्वपूर्ण ओवर थी ये, ओवर को सक्सेसफुली पूरा किया गया एक खराब गेंद के चलते हुए, लेकिन अभी सफर किस प्रकार से होगा, यानी कि 12 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता, 3 रन ज्यादा है दोस्तों गेंदों के हिसाब से। तो गेंदबाजी की कमान संभाल के गेंदबाज रवि शर्मा, द मैन विद द गोल्डन आर्म, बायात के गेंदबाज काफी सही साबित हुए पूरे टूर्नामेंट में अभी तक के इस सफर में। यहां से उनका सफर किस प्रकार का होगा ये निर्णायक ओवर होगा दोस्तों। आने वाली 12 गेंदे 15 रनों की आवश्यकता। रवि यादव लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद फैसल के लिए, पटकी हुई गेंद ऑन साइड के क्षेत्र में, इस बार टारगेट किया गया, गति का पूरे पूरे इस्तेमाल किया गया, जिस गति से गेंद आई उसी गति के साथ इस बार गेंद को फेंका गया सीधा डिक्लेयर जोन के क्षेत्र में, 2 रन जरूर मिलते हुए, और इसी 2 रन के साथ 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आए हैं। 13 रनों की आवश्यकता आने वाली 11 गेंदों में। फील्डिंग में यहाँ पे थोड़ी सी तब्दीली होती हुई, थोड़े से चेंजेस होते हुए, जिस प्रकार से फील्डिंग यहाँ पे रची गई है उसी प्रकार से गेंदबाजी होगी क्या, क्योंकि फैसल की यदि बात करें तो फैसल डिक्लेयर जोन में ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, इस फैसल को रोकना होगा दोस्तों, और इस प्रकार से रोकना होगा। क्या बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पे, फर्नीचर लॉस, विट्टो का पतन, और बल्लेबाज फैसल के पारी का अंत। रवि की ये धारदार गेंदबाजी, काफी अच्छी गेंदबाजी, मैं जरूर तारीफ करना चाहूंगा इस गेंदबाज की। मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा, जो बैटिंग करने वाले का डगआउट है वहां से कृपया करके आपको स्थान खाली करना है। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने से भी, जो प्रेक्षक वर्ग है उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा, आइए ऊपर तशरीफ लाइए, ऊपर बैठ के आनंद लीजिए, साथ ही साथ दूसरी तरफ भी बैठने का आपके लिए इंतजाम किया गया है, उसका आप मजा लीजिए और सहयोग कीजिए। सहयोग की भावना निश्चित तौर से हम आपसे लेना चाहेंगे, और बीस रन 2 गेंदों की समाप्ति के बाद
10 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता। नए बल्लेबाज इस बार विजु जाते हुए स्ट्राइकर हैंड पे, और नॉन स्ट्राइकर हैंड पे आप देख सकते हैं प्रतीक। क्या गेंद थी दोस्तों, क्या बेहतरीन गेंद थी। लेग कट की गेंद दोस्तों, जब गेंद डॉट जाती है ना दोस्तों, तो उसको देखने का एक अलग ही मजा होता है, एक अलग ही सौंदर्य होता है। ब्यूटीफुल गेंदबाजी यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, तेजी के साथ इस गेंद को, उंगलियों की जादू बिखरी गई गेंद के ऊपर, और जिस प्रकार से गेंद कट हुई दोस्तों, मानो ईद का चांद दिखता हुआ। और डॉट गेंद जब जाती है दोस्तों, जब लेफ्ट आर्म गेंदबाज गेंदबाजी करते हैं, और जब गेंद जब डॉट जाती है, तो बल्लेबाज भी काफी विचार विनिमय करते हैं, और वही गेंदबाजी होती हुई। तारीफ करना चाहोगे इस गेंदबाज की, पूरी तरह से इस मैच में झोंक दिया है खुद को, आज पूरी तरह से निछाव कर दिया इस मैच के ऊपर। पकड़ निर्माण करने का प्रयास जो रवि ने किया है, वो प्रयास सही साबित होता हुआ। इस बार हल्की सी ओवर पिच गेंद, गेंद को खेल दिया सीधा। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में दोस्तों, हल्की सी ओवर पिच गेंद, और इस ओवर पिच गेंद के ऊपर ये सिक्सर आता हुआ, टर्निंग पॉइंट। 8 गेंदों में 7 रनों की आवश्यकता। स्कोर की यदि बात करें तो स्कोर जा पहुंचा है 26 के पायदान पे। इस बार लेट कट, लेट कट खेला गया, और इसी सिंगल के साथ आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरी तरह से इस मैच में कमबैक किया गया। विजय ने जो छक्का दागा ना दोस्तों, उस छक्के के बाद अगर देखा जाए तो पूरी तरह से बिजली निर्माण होती हुई यहाँ पे खिलाड़ियों में, और डब्ल्यू ए पैकर्स जो टीम काफी देर से शांत बैठी थी, संयम के साथ बैठी थी, वो टीम अभी एक अलग जलवा बिखेरती हुई, जोश आता हुआ इस सिक्सर के माध्यम से, पूरी तरह से करंट देता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर विजय के इस सिक्सर के माध्यम से। तो सिंगल जरूर आई है इस पांचवी गेंद पे, तो आखिरी गेंद अभी भी आना शेष इस आखिरी गेंद के ऊपर। बाईस के माध्यम से एक रन जरूर मिलता हुआ, इस एक रन के साथ टोटल स्कोर की यदि बात करें तो टोटल स्कोर जा पहुंचा है 28 के पायदान पे, 28 आफ्टर 4 विकेट लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर 4 ओवर 28 रन, 6 गेंदों में 5 रन अनिवार्य हो गए। आने वाली 6 गेंदें जीत के लिए 5 रनों की दरकरार। तर निश्चित स्वरूपाने येणाऱ्या 6 चेंडूंमध्ये 5 धावांची आवश्यकता असणार आहे, आणि या 5 धावांचा कशा प्रकारे पाठलाग केला जाणार। एक डॉट गेंद, एक डॉट चेंडू पूर्णपणे मॅच मध्ये कमबॅक करू शकतो, तर हा डॉट चेंडू येणार का। गोलंदाजी मार्गवरती आपण पाहतोय गोलंदाज आलेला आहे, आकाश। असं म्हणतात मित्रांनो, जिद्दीचा प्रवास करत असताना शांतता आणि संयम असणं खूप गरजेचं असतं, आणि तो शांतता आणि संयम या गोलंदाजाकडे असणार का। आकाश राईट ओव्हर द विकेट, पहिला चेंडू, हलकासा ओव्हर पिच चेंडू, यावेळेस मात्र चेंडूला भिरकावून दिले सरळ सीमारेषेच्या पलीकडे, 2 धावांसाठी अप्रतिम फटका। बघा मित्रांनो, ज्या सिच्युएशन मध्ये तुम्ही आता खेळता त्या सिच्युएशन मध्ये ओव्हरपिच चेंडू, फुलर लेनचे चेंडू, फुलटॉस चेंडू हे तुम्हाला महागडे ठरू शकतात, आणि याचाच फायदा कदाचित हा फलंदाज उचलतोय। विजयचं कौतुक करावं लागेल मित्रांनो, कारण की मागील षटकांमध्ये जो त्याने षटकार लगावला त्या षटकाराच्या माध्यमाने धावफलकावरती एवढी मोठी संजीवनी भेटली की जणू काय हनुमानाने लक्ष्मणासाठी संजीवनी आणली, आणि तेच काम यावेळेस मात्र फलंदाज पुनश्च एकदा करतोय आपल्या संघासाठी। ऑन साईडच्या क्षेत्रामध्ये टार्गेट जरूर केले गेले, एक रन जरूर भेटते, आणि याचबरोबर आपण पाहतोय की लक्ष्य मात्र उरते येणारे 4 चेंडू, आणि विजयासाठी 2 धावांची आवश्यकता। 4 चेंडू, 2 धावांची आवश्यकता दोस्तांनो, डॉट चेंडू टाकावा लागेल सामन्यामध्ये, जर कमबॅक करायचा असेल तर निर्धाव चेंडू टाकावा लागेल, बिंदू चेंडू टाकावा लागेल, आणि आकाशकडे ती क्षमता आहे मित्रांनो, आणि आकाशला आज आपल्या क्षमतेचा आपल्या ताकदीचा पूर्णपणे वापर करावा लागणार। राईट आर्म ओव्हर द विकेट, प्रतीक यांच्यासाठी हा चेंडू, अखुटप्याचा चेंडू, परंतु यावेळेस मात्र लॉफ केलंय ऑन साईडच्या क्षेत्रामध्ये, एक धाव जरूर भेटते धावफलकावरती, आणि एक धावेच्या बरोबरीने धावफलकाची बरोबरी गाठली जाते। टोटल स्कोर झाला 32 रन स्कोर कार्डवरती, म्हणजे आता एक धावाची आवश्यकता असणार येणाऱ्या 3 चेंडूंमध्ये, 3 चेंडू 1 धाव। आकाश थोडासा महागडा ठरलाय की काय मित्रांनो, कारण की
ज्या प्रकारे रवी गोलंदाजी करत होता मागील षटकामध्ये, रवीच्या त्या चौथ्या चेंडूवरती जो षटकार आला त्या षटकाराच्या माध्यमातून जर पाहिलं तर पूर्णपणे डब्ल्यू ए पॅकर संघाने या सामन्यामध्ये कमबॅक केला आणि हाच कमबॅक मात्र त्यांना आपल्या विजयाच्या पहिल्या उंबरट्यापर्यंत घेऊन जातोय. विजयाचे दरवाजे कशा प्रकारे उघडले जाणार यावेळेस मात्र पंचांचा इशारा अवांतर चेंडूचा येतोय आणि याच बरोबर हा सामना जिंकलाय डब्ल्यू ए पॅकर्स संघाने. विजय संघाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. त्याचबरोबर जो संघ परास्त झाला अर्थातच निशांत नमिश टायगर्स या संघाला देखील खूप साऱ्या शुभेच्छा देऊयात पुढील वाटचालीसाठी.